क्या हुआ? अभी आवाज कैसी थी? आवाज कैसी? आवाज मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। अभी कैसे सुनाई नहीं दिया तुम्हें कुछ? इतनी जोर से आवाज आई थी कुछ टकराने की। टकराने की? या हमारे कमरे में क्या टकराएगा? या जस्ट रिलैक्स, तुम काफी स्ट्रेस लग रही हो, आओ सो जाओ। शीतल, वो शीतल कौन? कौन है? कौन हो तुम? नकारात्मक ऊर्जा? जाओ यहां से। मेरा फोन। मेरे गले लगोगे? कौन हो तुम? क्या बदतमीजी है ये? तुम्हारे साथ तो बदतमीजी ही करनी पड़ेगी। डरो नहीं, आओ गले लगो मेरे। कौन हो? मैं शादीशुदा आदमी हूं, जाओ यहां से। जाओ। शीतल तुम क्या करूं? शादी आपसे हुई है तो किसी और को कैसे पकड़ूं? ये कैसा मजाक था? जानती हो डर के मारे मेरी क्या हालत हो गई थी? क्या करूं? आपके पास अपनी जिंदा पत्नी को देखने का टाइम तो है नहीं, तो सोचा भूत बन के ही गले लग जाती हूँ। अच्छा सच्ची बताना, डर लगा? डरे ना? हाँ सच में मेरी तो जान ही निकल गई थी। I'm sorry, जान। अभी क्या मजाक कर रहे हो? अभी बताओ ना क्या बात है? अब बोलो क्या बात है? गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। सुबह सुबह मुझे जल्दी निकलना पड़ा। एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गया, कल रात को तुम इतनी स्ट्रेस आउट थी
और सुबह तुम्हें उठाने की हिम्मत नहीं हुई, पर अभी तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। अभी कहाँ हो तुम? या साइट पे पहुंचने वाला हूँ। वहां पे सिग्नल प्रॉब्लम रहती, इसलिए पहले फोन कर दिया। और बड़ी बात, हेलो हेलो हेलो, अभी अभी सिग्नल चला गया। अभी तक सो रही थी? सुबह के 6:30 बज रहे रिया, आरती भी हो चुकी है। सिर्फ एक दिन जल्दी उठकर भजन गा देने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, घर के कामकाज नियम पूर्वक निभाने पड़ते हैं। माँ जी, पता नहीं आज नींद ही नहीं खुली। मैंने अलार्म भी लगाया था, पता नहीं, पर सच्चे दिल से जिम्मेदारी निभाने की ठानोगी ना, तो अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आंख अपने आप ही खुल जाएगी। अब अलार्म लगाओ या जो भी करो, आज के बाद देर नहीं होनी चाहिए। देर तो होगी और गलतियां, जब तक इस घर के लोगों का सबर का बांध टूट नहीं जाता, जब तक ये घर के लोग तुम्हें धक्का मार के घर से बाहर नहीं निकाल देते। क्या बात है विंदनी, इतना मुरझाया चेहरा लेके क्यों खड़ी है? मुरझाया? मुरझाया नहीं मासा, ये तो अभी अभी उठी है मेरे पुकारने पे, या यूं कहूं इसकी नींद मैंने खराब कर दी। अरे तू भी ना रुकमणि, तू के तू हेडमास्टर नी की तरह बच्चों को घड़ी घड़ी अनुशासन की घुट्टी पिलाए है। कोई बात नहीं बेटनी, आरती ना कर पाई तो के ऐसा कर, जाकर नहा धो के ठाकुर जी के मंदिर में दिया जाता, भूल माफ कर दे। अब यही खड़ी रहोगी या जाकर तैयार भी होगी? हरे कृष्ण राधे कृष्ण। राम राम दादी सा, राम राम बड़ी भाभी सा। अरे कम्मो तू, इतने दिनों के बाद घर में शादी भी हो गई, नई दुल्हन आए, इतने दिन भी बीत गए, अपनी शक्ल अब दिखा रही है? अब के बोलू बड़ी भाभी सा, गांव जाने पर जही होबे है, जाओ हफ्ते भर के लिए और लग जाबे है पूरा महीना। वैसे हमारे अभी भैया और नई बहू जी कैसी हैं? दोनों बिल्कुल ठीक है कम्मो, अभी कुछ काम से बाहर गया हुआ है और नई दुल्हन अंदर कमरे में। अरे वाह, तो हम अभी उन्हें बधाइयां देकर आते हैं। एक मिनट कमो, वहां जाने की जरूरत नहीं है, आज नई दुल्हन की आंख देर से खुली है, वो तैयार हो रही है, पहले मंदिर में फूल चढ़ा दो। जा,
मैं भूल ही गई, इतने दिन बाद आई हूँ और ठाकुर जी के दर्शन भी नहीं किए, मैं बस यूं गई और यूं आई। जा तो। मैंने जो देखा वो सच था या मेरा वहम? हेलो, सॉरी रिया, उस वक्त बात करते करते अचानक से सिग्नल चला गया था। अचानक तो तुम चले भी गए थे मुझे बिना बताए। रिया, आई एम रियली सॉरी, बट मैंने तुम्हें बताया था ना कल रात को तुम काफी स्ट्रेस्ड आउट थी, इसलिए मुझे नहीं लगा कि सुबह तुम्हें डिस्टर्ब करना चाहिए। अभी अगर सच में मेरा इतना ख्याल है ना, तो प्लीज आगे से जब भी जाओ मुझे बता कर जाना, प्रॉमिस मी अभी। हाँ रिया, आई प्रॉमिस। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों? अभी मुझे देर हो रही है, मुझे मंदिर में दिया भी जलाना है, तुम घर आ जाओ फिर बात करते हैं। बाय। बाय। जय हो ठाकुर जी की। काना जी, बचपन से लेके आज तक मम्मा पापा ने सिर्फ यही सिखाया है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही परमात्मा है जो ये दुनिया चलाते हैं, और उस परमात्मा के रूप में हम आपको पूछते हैं, ये मानते हैं कि आप ही का अंश आत्मा बनकर हमारे अंदर समाया है। डॉक्टर होने के नाते बस इतना समझ में आता है कि जब तक इंसान की सांसें हैं इंसान का वजूद है, और जिस दिन सांसें रुक जाती हैं उस दिन कुछ नहीं। मैं ये भूत प्रेत आत्मा इन सब में विश्वास नहीं करती कान्हा जी, पर कुछ दिनों से मेरे साथ जो हो रहा है मैं उसे समझ नहीं पा रही हूं। पता नहीं वो मेरा वहम है या सच, पर जो कुछ भी है कान्हा जी कि आप अपना आशीर्वाद और साथ हमेशा मुझ पर बनाए रखें, मेरी मदद करें। अंकल आंटी आए हैं। जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली बगल से गुजर रहे थे तो हमने सोचा आपको मिलते जाएं। कैसी तबीयत है आपकी दादी सर? अब मैं ठीक हूँ। ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी। और बताओ आपके जहाँ सब कुशल मंगल? जी अभी राजा। रिया दिखाई नहीं दे रही। जी अभी तो काम से बाहर गया हुआ है, रिया अपने कमरे में ही है, बस आती ही होगी। जय हो कान्हा जी।
साथ नहीं देखा था, बिल्कुल इस दिए की तरह। तुम्हारी हर सांस, हर उम्मीद बुझा दूंगी मैं। मैं इस मंदिर के अंदर नहीं आ सकती तो क्या, ये दिया तो मेरे पास आ सकता है। मम्मा पापा आप, जीती रहे बेटा। हम लोग बस यहां से गुजर ही रहे थे तो सोचा आप सबसे मिल ले, तेरी बहुत याद आ रही थी। बेटा तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? समधी जी, बातें तो नाश्ते के वक्त भी होती रहेंगी, अब बिराजिए तो सही। अरे धन्यवाद, लेकिन नाश्ता तुम लोग घर से करके आए। अरे चाय तो पी ही सकते हैं। कमो जा जल्दी से चाय लेके आ। हाँ। रिया, मंदिर में दिया जला दिया है ना? जी माँ जी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links below and enjoy watching the videos.